एक आपका एक चैनल होता है उसमें फेसलेस कंटेंट होता है, यानी इसको कैश कॉ कंटेंट हम कहते हैं, जिसमें आपका ना आपका चेहरा होता है ना आपकी वॉइस होती है। ये कोई अगर इंट्रोवर्ट है, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना, तो ये उसके लिए बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद अहमद सुभान शाह है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अहमद सफ़ीर शाह है। हम लोग अपने घर पे ही हम लोग अपना YouTube का काम कर रहे थे, लेकिन आपको पता है YouTube के काम में एक दो बंदे तो काम कर नहीं सकते, उनके लिए उसके लिए आपको पूरी एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है। तो टीम हायरिंग, टीम मैनेजमेंट, टीम को किस तरह से लेके चलना, ये हमें नहीं आता था, और ऑब्वियसली घर पे आप वो सिखा भी नहीं सकता। तो इसी दौरान मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे सैनियरी सर की वीडियो दिखी, उन्होंने अपने इंक्यूबेटर के बारे में बताया हुआ था, तो मुझे लगा ये शायद ये मेरे लिए ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपना फील्ड को, अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकूँगा। जब हम लोग 2022 अगस्त में हमने ज्वाइन किया इंक्यूबेटर, तो मैं समझता हूँ अब से मेरा ख्याल से पूरा साल हो रहा है, तो मैं तो समझता हूँ एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है इंक्यूबेटर, क्योंकि जो मेरे पास नॉलेज 2022 अगस्त में थी और 2023 अगस्त में अब है मेरे पास, बिल्कुल डिफरेंट है वो, बिल्कुल मैं अपग्रेड कर गया अपने लाइफ के अंदर। क्योंकि जो इंक्यूबेटर का माहौल था उसने बहुत कुछ सिखाया आपको, शॉपिफाई, अमेजोन, फेसबुक एड्स, हमने बहुत कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर किया, दुनिया में कैसे कैसे कारोबार हो रहे हैं, किस तरह से कारोबार हो रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इंक्यूबेटर के थ्रू। पहले जब हम घर पे बैठे होते थे तो हमें सिर्फ एक ही बिजनेस के बारे में पता था, यूट्यूब के बारे में। तो हम इंक्यूबेटर आए तो इंक्यूबेटर में मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या पॉपुलर बिजनेस है, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प हुई। और यहाँ पे फिर सेशंस होते थे, वो भी हमें बड़े यूजफुल रहे हमारे लिए। और इंक्यूबेटर की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि किसी एक फेमस बंदे ने कहा है कि आपका फ्यूचर आपके सर्कल पर डिपेंड करता है, जिन लोगों के साथ आप बैठेंगे उन लोगों के साथ आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। सीनियर्स भी हेल्प करते हैं, जूनियर्स के सारे मैनेजमेंट भी आपके साथ होती है, जहाँ जो हमारे सर थे, टीचर्स थे, उन्होंने हमें बड़ी हेल्प की हमारे डिप्लोमा ट्रैक में पूरी। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो कि यहाँ पे हमें आके बहुत अच्छी तरीके से नेटवर्किंग को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, लोगों से मिले, नए नए आइडियाज़ शेयर किए, तो एक काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पर। सीनियर्स यहाँ पे काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जना जूनियर है तो उसकी जर्नी मतलब ज़ीरो है तो हम सब क्यों बताएं, लेकिन मुझे ऐसी कोई मुश्किल यहाँ पे नहीं आई। जब यहाँ पर हम आते थे तो सीनियर्स हमें काफ़ी हेल्प करते थे यहाँ पर। सनी सर की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो एसेट बिल्डिंग के बारे में जो बताते हैं वो एक हर किसी बंदे को हिट करता है कि हर किसी बंदे का एक एसेट बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, यूट्यूब ऑटोमेशन अमेरिका में, यूरोप में काफ़ी पॉपुलर बिजनेस है, पाकिस्तान में इतने लोगों की अवेयरनेस नहीं है इसकी। एक आपका एक चैनल होता है उसमें फेसलेस कंटेंट होता है, यानी इसको कैश कॉ कंटेंट हम कहते हैं, जिसमें आपका ना आपका चेहरा होता है ना आपकी वॉइस होती है। ये कोई अगर इंट्रोवर्ट है, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना, तो ये उसके लिए बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। इस बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और मैं समझता हूँ कि हर काम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई अगर आपको यूट्यूब ऑटोमेशन में आना है तो आप ये समझ कर आए कि कहते हैं आपको 6 मंथ्स लगाने होंगे इस पर ना, क्योंकि ये होल बिज़नेस है। जैसे अमेजोन शॉपिफाई एक बिज़नेस है, वैसे ही यूट्यूब ऑटोमेशन एक बिज़नेस है। इसके अंदर एक वक्त दरकार है जो आपने गुजारना है। फ्रीलांसर्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कोई भी फील्ड में आप सेलेक्ट करें, कुछ भी करें, आप अमेजोन करें, शॉपिफाई करें या यूट्यूब करें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये बंदा माइंडसेट ना बना के आए कि एक महीना आएंगे, बैठेंगे और पैसा बना के चले जाएंगे, तो एक महीना तो सब कुछ भी नहीं होता। कम से कम अपना आपको 6 महीने तो आप कम से कम अपने आप दें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें और फिर उसको बेचना सीखें।